समुद्री क्षेत्र के कर्मावास न्यू बाईपास रोड पर महान हिंदू चक्रवर्ती सम्राट वीर विक्रमादित्य सर्किल पर विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता एवं आम नागरिकों के सानिध्य में सुपेंद्र सिंह सोढ़ा द्वारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। साथ ही एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। सुपेंद्र सिंह सोढ़ा ने ईश्वर से संपूर्ण संसार में सुख और शांति बनी रहे और वीर विक्रमादित्य की हमेशा कृपा बनी रहने की कामना की। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद तहसील मंत्री अशोक कुमार राजपुरोहित, विश्व हिंदू परिषद उपाध्यक्ष विजय राज सोनी, दीपेंद्र सिंह, नथमल जोशी, जोधाराम चौधरी, पोकरराम पटेल सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। हम विक्रम संवत इसलिए मनाते हैं कि संसार के अंदर किसी भी जाति, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। प्रत्येक व्यक्ति के अन्याय का विरोध करने के लिए हिंदू संवत के रूप में हम माँ दुर्गा की पूजा कर इस पवित्र नए वर्ष को आरंभ करते हैं। इसके अंदर हम संपूर्ण शामिल हुए हैं। हम लोगों की एक ही प्रार्थना है, संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण जीव जंतु का कल्याण हो और हम सब मिलके ना तो कोई जातिवाद रखें, ना कोई भेदभाव रखें। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक सनातन धर्म की मांग लेके हम चले और जो विश्व के अंदर कल्याण की भावना करता है, सूर्य की तरह हमारा जो भगवा रंग है वो संपूर्ण विश्व में फैलाएं। हम उसी की प्रेरणा के अंदर, उसी ध्वज के नीचे शामिल होने के एक राय होके सब शामिल होते हैं। और हमारी यही सबसे मनोकामना है कि आप कोई भी भेदभाव नहीं करें, किसी जाति के साथ भेदभाव नहीं करें। संपूर्ण हिंदू सनातन का कोई भी व्यक्ति है, संसार के अंदर कहीं भी निवास करता है, उसकी हो सके जितनी मदद करें। जिस व्यक्ति का अपन मदद का भाव लेके चलेंगे, यही हमारी कामना है। हम किसी भी धर्म प्रति के द्वेष नहीं रखते। हमारा एक ही कामना है जो भी है व्यक्ति वो एक ही मार्ग पर आए, वो संसार का कल्याण करे। अपनी तरफ से जो कर सकता है, जितनी भलाई के अंदर आप सहयोग कर सकते हो वो सहयोग करो। हिंदुस्तान वासियों को 2080 के विक्रम संवत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं संपूर्ण संसार के अंदर सुख रहे, शांति रहे, वीर विक्रमादित्य के हमारे ऊपर कृपा रहे और संपूर्ण विश्व का कल्याण हो।